वेलकम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में जो कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पार्ट 3 है, इसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। क्या होता है ऑब्जेक्ट? आपने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है, मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया है। किसी भी सेंटेंस का थर्ड पार्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कारक या कर्म के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का सीधा प्रभाव पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिस पर किए गए कार्य का स्पष्ट डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो कि प्रपोजिशन के साथ प्रयोग होता है, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस पर कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट जिसको हम हिंदी में पूरक कहते हैं, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। आइए हम इस ट्रिक को डिटेल में देखते हैं और सब एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। आवर कैट कॉट ए माउस। आवर कैट सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है, ए माउस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, इसको जानने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मुझे कैसे पता चला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हम किसी भी सेंटेंस में हुम या व्हाट करके अगर क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सपोज कीजिए, यही जो सामने एग्जाम्पल है, आवर कैट कॉट व्हाट। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि आवर कैट कॉट व्हाट, आंसर क्या है? माउस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, द बॉस सा हर। द बॉस सा हुम, हुम का आंसर है हर। बॉस ने किसको देखा? उसको देखा। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे ये हमें पता चला कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जॉन हिट द बॉल। जॉन हिट व्हाट? द बॉल आंसर आया। अगर व्हाट का जो भी आंसर आया है, जो रिप्लाई आता है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड जॉन हिट द बॉल हार्ड। जॉन हिट द बॉल, अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? हार्ड क्या है? हम देख रहे हैं कि हार्ड यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? हार्ड मॉडिफाई कर रहा है बॉल को। जॉन ने बॉल को हिट किया, कैसे किया है? हार्ड वे में किया है। और एक जो हार्ड वर्ड है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको? बॉल को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉल को कर रहा है। तो ये हमारा हार्ड क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मैं आगे भी एक सेंटेंस इसके बारे में बताऊंगी। शी गेव मी ए गिफ्ट। शी गेव व्हाट? ए गिफ्ट। ये तो क्या हुआ? व्हाट का आंसर निकला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। बच्चों, हम मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये क्या है मैं बताती हूँ। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज ए ट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पहले हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी एक ऐसा एक्शन वर्ब होता है जिसके किए गए कार्य का, जिसके एक्शन का पूरा प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है।
प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब कि इसका सेंस जो है वो हमेशा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है टू और फॉर। इस ये प्रपोजिशनल इस सेंस में नहीं है कि इससे पहले टू या फॉर का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये इस सेंस में प्रपोजिशनल है कि यहाँ पे टू या फॉर का हमें प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रयोग नहीं किया गया होता, बल्कि उसे हम अपने आप वो अंडरस्टूड है, अपने आप हम समझ लेते हैं। शी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे दिया। क्या दिया, क्या का जो जवाब है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको, हुम, हमेशा टू हुम, टू हुम और फॉर हुम। इसका जो आंसर है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको पलट के दूसरे ढंग से हम सेंटेंस लिखें तो हम लिख सकते हैं शी गेव ए गिफ्ट टू मी, शी गेव ए गिफ्ट टू मी। तो ये टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो पहले आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही अर्थों में हमें हमेशा वर्ब के फौरन बाद यूज़ करना चाहिए, जबकि उसका सेंस ये टू मी का ही निकलता है। यहाँ पर रीता पास्ट हर फादर ए द पार्सल, रीता ने अपने पिता को पास किया। क्या पास किया, व्हाट, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर फादर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अंतर। लेट हिम हैव इट, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इट क्या है, लेट हिम हैव इट, डायरेक्ट। वी आर वेटिंग फॉर सुरेश, हम सुरेश का इंतज़ार कर रहे हैं, सुरेश ऑब्जेक्ट है, फॉर क्या है, ये एक प्रिपोजिशन है, और इसलिए सुरेश कैसा ऑब्जेक्ट है, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये तीसरे तरीके का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको ये प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब उससे पहले या वर्ब के फौरन बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज़ किया हो। अगर ऐसा प्रपोजिशन यूज्ड है यहाँ पर, तो उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसका अगला सेंटेंस देखिए, ही इज़ गोइंग टू द पार्क, ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्क, और उससे पहले क्या यूज़ हुआ है, ये प्रपोजिशन है टू, वर्ब के फौरन बाद। हम इसको इस तरह भी पहचान सकते हैं कि अगर वर्ब के फौरन बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज़ होता है तो उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गोपाल लुक्स सैड, सैड क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इस कार्य का कोई भी प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये किसको, किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये किसका पूरक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, और इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई इंसल्टेड यू क्या है, यू क्या है, सब्जेक्टिव, आई इंसल्टेड यू, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम इंसल्टेड यानी कि आई इंसल्टेड यू, मैंने तुम्हें अपमानित किया, एंड आई एम इंसल्टेड, मैं खुद अपमानित हुआ, मैंने खुद को अपमानित महसूस किया। हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी वर्ड जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जो यहाँ वर्ब है वो यहाँ पर और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हुआ है। आई कॉल माई डॉग टॉमी, ये क्या है, टॉमी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और
द टीम इलेक्टेड रमेश कैप्टन. रमेश क्या है यहाँ? रमेश को नेम कौन कर रहा है? कैप्टन. कैप्टन क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है. जिस तरह टॉमी किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉग को. कैप्टन किसको मॉडिफाई कर रहा है? रमेश को. रीनेमिंग, फिर से उसको एक नेम दे रहा है या मॉडिफाई कर रहा है. तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया हो. इससे लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी. और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.